आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीड़ित को धमकाना दरोगा जी को पड़ा भारी। पहाड़िया मंडी के व्यापारियों ने घेरा। वाराणसी हमेशा की तरह थाना लालपुर की कार्य प्रणाली फिर एक बार चर्चा में। एक तरफ बुलंदशहर का पीड़ित शरीफ नाम का फल व्यापारी अपने बकाये की राशि को लेकर बकायेदार द्वारा लगातार धमकी देने से आजीज होकर लालपुर पांडेपुर थाने पर तहरीर दी, जिसकी विवेचना कर रहे विवेचक द्वारा लगातार पीड़ित पर दबाव बना रहे थे। पीड़ित को बुलंदशहर से बुलाकर देर रात अपने रूम पर बुलाकर खुद व विपक्ष को बुलाकर डराया धमकाया, जिसको लेकर पीड़ित ने अपर पुलिस आयुक्त के यहाँ गुहार लगाई। पीड़ित को न्याय तो दूर, दरोगा जी उसे ही टॉर्चर करते हुए फोन पर धमकाने लगे। हद तो तब हो गई जब पीड़ित को धमकाने दरोगा जी पहाड़िया मंडी पहुंच गए और वहीं पुलिसिया अंदाज में पीड़ित को डराने धमकाने लगे, जिससे आसपास के व्यापारियों ने विरोध किया। बात बढ़ता देख मंडी के व्यापारी एकत्रित हो गए और दरोगा जी को घेर लिया, जिसकी सूचना मिलते ही पहाड़िया चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर विवेचक व पीड़ित को थाने ले आए। पुलिस के इस रवैये से पहाड़िया मंडी के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 भारत। आप लोग कर रहे हैं जो ना बोला बना रहे हैं, पुलिस से हर दबाव बना रहे हैं। नहीं, आप क्यों बदल हो गए भाई? आप क्यों हल्का है? यही पुलिस मदद करती है, ये मदद कर रही है। पुलिस पे दबाव बना रहे हैं, लेकर आप इसको हका रहे हैं। नहीं, आप पुलिस को मदद नहीं लिए अभी लमिट से पुलिस के मदद भाई पुलिस एक मिनट बना रहा हूं। ये दुर्गा पे बैठा हूँ, कसम मत खाइए। आप कसम मत खाइए, पुलिस लोग हमेशा दुर्गा का कसम खा रहे हैं। इसके सामने लिए वो भी आदमी है, एक रुपया लिया और आपने दुर्गा पे बैठा। आप कैसे व्यापारी भाग रहे हैं? लेकिन आप व्यापारी कैसे हो गए भाई? दुर्गा पे बैठा हूँ, अगर एक व्यापारी नहीं आप हिम्मत कैसे कर रहे हैं? हम पूरा सुन रहे हैं, समझे? आप कैसे व्यापारी भाग रहे हैं? चलिए भाई, एक रुपया अगर लिया हूँ आप, नहीं एक तरफा बात कैसे की है? बच्चों पर पड़े आप एक तरफा बात कैसे की है? जेल क्यों भेजेंगे? आप क्यों इसको कहे जेल भेजेंगे? सुनिए, कई दिन से मैं इनसे कह रहा हूँ, ये प्रागिनी है इस आदमी का। मैं वहाँ बैठा था, मेरे सामने वाला मिनिस्टर का फोन, इसको मिलाओ। ये आदमी जो है इनको फोन मिला के हका रहे हैं। मैं वहाँ चाय दुकान बैठा था। हम लोग टैक्स पे हैं यार, ऐसे चोर चंडाल या चोर चमार कोई बसा नहीं है मंडी में, सब व्यापारी है। व्यापारी को क्या इज्जत की है? आप हिम्मत कैसे उसको बहाने की? आप जेल भेज देंगे, आपका कितने जेल भेज देंगे? एक कलम लिख देंगे तो काम हो जाएगा आपका। ये गलत बात है ना भैया, आदमी बाहर से आया तो दौड़ रहे हैं, इतना पीछे पीछे दौड़ रहे हैं इनके जो नहीं, 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 आपका काम है, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप नौकर है तो पीछे से दौड़ेंगे आप हटाएंगे? वार्ड को जरा, वार्ड को जरा, ये कोई तरीका होता है? नहीं, नौकर है, हम मान रहे हैं नौकर है। आप नहीं, आप किसी दौड़ते हैं ना? नहीं, आप कैसे कहें बीमारी? आप कैसे कहें कि इसको जेल भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? क्या पकड़ मार है, चोर है? जो आदमी अयासी कर रहा है दुकान में, मजूरी रख रहा है, व्यापारी को लूट रहा है, उसके साथ मदद कर रहे हैं? भाषा क्या भाषा है बताइए? 3 साल परेशान है, चोरों के सारा पैसा लेकर भागा हुआ है। पैसा इनका दिलवाने के लिए मैं कह रहा हूँ, पैसा दिलवाया है, जेल भिजवाना है, फोन करिए मिलामी इसको, बुलाइए, से पैसा दिलाया जाए, मुकदमा से पैसा दिलवाना है, एक तरफा बयान दे रहे हैं। ठीक है, नीलामी के बुलाओ, पैसा पैसा दिलवाइए। आप व्यापारी को बुला के हका रहा है, ऐसे कैसे पैसा मिल? आप कैसे कर दिए व्यापारी को भाई? कह रहे हो कम्प्लेन कर रहा है, उसी को कर दिए, कलम चला देंगे। आप क्या कम्प्लेन आगे से आया है? जब से इनके हाथ नीचे तब से आदमी जो इनको हड़का रहा है, यहाँ से थाने से नहीं है, ये अपने यहाँ 3 साल से पीड़ित है, ये थाने कचहरी से किए हुए। यार न्यायालय पैसा दिलवाएगा ना? तो आप उनको कहीं बढ़िया दिलवाइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।